हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, इनकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, और देखते हैं कि आपका ये रिश्ता स्टार्ट होने में आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें। थीटा भी ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए और आपका ये जो रिश्ता है स्टार्ट होने में आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। आपका जो बजट है आप पे करके अपनी रीडिंग ले सकते हो, 10 मिनट से लेकर 1 घंटे की कॉल होती है। ठीक है, और यस, आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आखिर आपके इस रिश्ते का होने वाला क्या है, सच में फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है। ठीक है, अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है और इनको किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। किस बात का रिग्रेट है इन्हें, इतना क्यों पछता रहे हैं अकेलापन। इनको आपसे जैसे कि आपको झूठा कमिटमेंट देने का, झूठे प्रॉमिसेस करने का और जैसे कि झूठे सपने दिखाने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है, दिल से आपसे शादी करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए और जैसे कि आपको फंसा के चले गए। ठीक है, इसी वजह से सैड एनर्जीज में बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कि इनको दुनिया हैप्पी नज़र आ रही है और जैसे कि सैडनेस है, नेगेटिविटी है तो सिर्फ मेरी लाइफ में है, बाकी सारी दुनिया जो है एकदम खुश है, इनको इस तरह से नज़र आ रहा है। इनके इमोशनल फीलिंग्स इसको बहुत ज़्यादा आपको लेके बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिल से रियूनियन करना चाहते हैं, रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा रूढ़ थे आपको लेके, अगर ज़रा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, अगर इनके दिल में जैसे कि आप जब भी इनसे बात करते थे तो आपको बहुत ज़्यादा रूडनेस फील होती थी, तो ये जो कि आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा तुझे तेरे जैसे कि इमोशन को समझने लगा हूँ, तू क्या सोचती थी और क्या मुझसे चाहती थी ये मुझे समझ में आ गया है, तू क्यों मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्यों तुझे जैसे कि बार बार मुझसे बात करनी होती थी, दिन भर मुझसे चैट करनी होती थी, रोज़ मुझसे मिलना होता था, ये सारी बातें अब मेरे समझ में आ चुकी है। जब मैं तुझसे इतना दूर हो गया और जो इतना डिस्टेंस आया उस पीरियड में मैंने तुझे इतना मिस किया है, शायद तू ऐसा सोच सकती है कि मैं भी तुझे कभी इतना मिस कर सकता हूँ, तेरे प्यार को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पहले जैसा फिर सब कुछ जैसे तू पहले करती थी वही ज़िंदगी मुझे फिर से चाहिए। आपको इस तरह से बताना चाहते हैं, ये दिल से इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, जैसे कि फैमिली देख रहे हैं, बच्चे, शादी, घर, ये सब कुछ देख रहे हैं, ये अपने सैडनेस से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। दिल से आपको जैसे कि बताना चाहते हैं, जो है तू मेरे बारे में जो भी सोच रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरी हर एक शिकायत अब जो है कि दूर करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है और अपने आप को मतलब कि बहुत ज़्यादा, अगर जैसे कि मैंने आपको ये बोला तो आपके मन में ऐसा आया होगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, ये थोड़ी ना ऐसा बोल सकता है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अब जो है मुझ में बिल्कुल भी ईगो नहीं है, और अगर ईगो है भी तो ये आपके सामने झुकना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि अब जो है कि मैं ज़्यादा ईगो में नहीं बैठ सकता, मुझे पता है कि जितना ईगो इनमें है ना उससे 10 गुना ज़्यादा ईगो आप में है, इस तरह से मतलब अगर ये नहीं झुकेंगे तो आप भी झुकने वाले नहीं हो, तो ये रिश्ता स्टार्ट नहीं होगा, ये इनको अच्छे से फील होने लगा है। ठीक है, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो है, इमोशनल भी है, लेकिन ना इमोशंस कोई भी इनके दिल के अंदर क्या है ये झांक नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने अपने दिल पे पर्दा डाल दिया है, मतलब कि इन्होंने अपने इमोशंस को जैसे कि छुपा लिया है। ये बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, रोते हैं, लेकिन ये किसी को दिखाते नहीं हैं। ठीक है, ये अपने इमोशंस आपको पहले कभी भी नहीं दिखाते थे, इसीलिए जैसे कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आए, अपने इमोशंस आपको बताने के लिए आ रहे हैं, ये आपको बताना चाहते कि जो कि अब जो है मैं कंप्लीट, मेरा ईगो जो है ख़त्म हो चुका है, और जो कि तू है तेरी वजह से, तेरे प्यार की वजह से जो कि मैं, मेरा ईगो मतलब कि तेरे सामने झुकने के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं,
मतलब कि ये ना आपके हर कदम की, जैसे कि आपके घर में जो भी चल रहा है ना उस बात की भी इनको हर खबर रहती है। और अगर आपको लगता है कि जैसे कि बहुत दूर है, मतलब एक सिटी में आप हो रहे बहुत ज़्यादा दूर है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ये जैसे कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं उनसे आपकी खबर निकलवाते हैं, आपके सोशल मीडियाज़ पर इनकी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ये आपका बहुत पीछा करते हैं। जहाँ से भी अगर आप एक जगह पे काम करते हो तो ये वहाँ पे आते हैं, आपको शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स है जो कि ये हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, हमें पता भी नहीं होता है इस तरह से, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा इनको, जैसे कि आपकी ये एनर्जीज फील हो रही है कि आप जो है शायद जैसे कि इनका ईगो तब ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन अब जो है आप इनके सामने नहीं झुकना चाहोगे। आपकी ये एनर्जीज इनको फील हो रही है कि एक तलवार लेके आप हाथ में बैठे हो, कि अगर आया भी है तो इतने दिनों के बाद आया है कि अब जो है कि मेरे दिल में कोई भी इमोशंस तेरे लिए नहीं बचे हैं, मैं रो रो के इतनी थक चुकी थी कि अब जो कि मैं बहुत ज़्यादा रूढ़ बन चुकी हूँ, मुझे अभी किसी के आने से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जैसा पहले प्यार में तुझसे करती थी शायद अब मैं वैसा प्यार तुमसे नहीं करती, क्योंकि ये आपके पास आना चाहेंगे लेकिन आप जो रूढ़ बने हो ना, ये इनको फील हो रहा है, या आपको आप इनको रिजेक्ट करोगे ये इनको फील हो रहा है। और इसी वजह से जैसे कि पहला ही कार्ड आया था फाइव ऑफ कप्स का, जो कि आपकी ये जो भी सिचुएशन अब आप इस वक्त आप जो भी बने हो, ये सब कुछ आप इन्हीं की वजह से बने हो। अगर इन्होंने जैसे कि आपको इस तरह से चीट नहीं किया होता तो शायद ही आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठता। अब जो है आपका प्यार के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, अब किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं करना चाहते, और चांसेस बनते कि अगर ये भी आपके पास आए ना तो आप जो कि इनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। 10 टाइम आप सोचोगे कि सच में ये सच बोल भी रहा है, और आपका जैसे कि इनका फेस देख के आपको ये फील होगा कि शायद ये आज भी झूठ बोल रहा है, इस तरह से है। मतलब कि पहले जैसे कि आपने एकदम इजीली इनके ऊपर भरोसा कर लिया था, वैसे आप जो है अब नहीं कर पाओगे इनके ऊपर भरोसा, और यही इनको मतलब फील हो रहा है, ठीक है। ये चीटर अपने आप को समझने लगे, जैसे कि पहले इनको नहीं लगता था कि ये चीटर है, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, अब इनको ये आपके साइड से जब सोचने लगते हैं कि आप क्या क्या फेस कर चुके हो इनकी वजह से, तब इनको ऐसा फील होने लगा है कि यस शायद मैं चीटर ही हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना था, ठीक है। यहाँ पे डेथ का कार्ड यही शो करता है, शायद इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से जैसे कि रिश्ता अब एंड हो चुका है, अब नहीं आप आगे बढ़ना चाहोगे इस रिलेशनशिप में। और देख लेते क्या निकल के आता है। यस, टेम्परेंस का कार्ड है, ये इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे चेंज भी हुए हो ना, और अगर ये ईगोइस्टिक पर्सन है, अगर ये अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो इसी का मतलब ये है कि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, ठीक है। अगर आप ठीक से देख पाओगे तो आप देख सकते हो, आप पहले जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो अब जो रूढ़ बन चुके हैं, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, तो जो कि इनका ईगो अब ख़त्म हो चुका है। इसी का मतलब ये है कि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, और इसीलिए जैसे कि यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में जो भी रुकी हुई सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ठीक होने वाली है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड रिलेशनशिप में बैलेंस लाने को शो करता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, जो भी रुका हुआ है सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। हम देखते हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट होने में ऑब्स्टेकल्स क्या है, आखिर रिश्ता क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, गाइड करें, ये समय ट्रू मैसेज दें, आखिर ये रिश्ता स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या है इस रिलेशनशिप की, देख लेते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ऐसी है कि इनको लग रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, या आपके हैप्पीनेस को जैसे कि फिर से चुराना नहीं चाहते, जैसे कि पास्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा रुला के आपको तकलीफ देख के जा चुके हैं, तो अब जो है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, शायद ये आएंगे तो आपकी हैप्पीनेस फिर से चली जाएगी, और जैसे कि आप फिर से अपने पास्ट में घुस जाओगे, फिर से अपना एफर्ट्स इनके लिए डालने लगोगे, और पहले जैसे फिर से इनसे प्यार करने लगोगे, शायद ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से जैसे कि मैंने बोला ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, तो ये देख पाते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, और यही खुशी जो कि इनको लग रहा है कि अगर मैं आऊँगा तो शायद ये ख़त्म हो जाए, इस वजह से जो कि आपके पास एक्शन नहीं लेते। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके दिल में अभी भी आपसे बात करने का थॉट चल रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपकी खुशी को अभी नहीं ख़त्म नहीं करना चाहते इस तरह से, ठीक है। इनके इमोशंस इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है।
ट्रू इमोशन से सच्चा प्यार है, भले आपको ये चीटर लग रहे हो लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस थी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग, और नंबर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ऑल साइंस रीडिंग होती है। अगर आपको फील हुआ कि यस ये एनर्जीज आपके हैं तो ये रीडिंग आपके लिए थी, ठीक है। तो रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यस अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।